पहला डिश जो सेफ संजीव कपूर ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाए थे मेरे केस में मेरे लिए उन्होंने दोसा बनाया था मेरी पूरी फैमिली के लिए okay. तो हम जब गए uh, उनके घर में तो शेड मेड अ गुजराती सबको अभी तक uh, याद है क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल शेफ हूँ तो आ, मुझे मिलने होटल के अंदर रात जहाँ मैं शेफ़ एज ए शेफ़ शेफ काम करता था तो बहुत सारी चीज़ें आ, खिलाता था राइट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि कभी कहाँ पे मैं जा काम कर रहा हूँ पर आ, उससे पहले रिसर्च किए थे कि मैडम का क्या फेवरेट है क्या नहीं नहीं, नहीं इतने ये लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्या रिसर्च करना है तब थोड़ी ये पता था कि इतने साल बाद ये इंटरव्यू होगा ये याद रखो क्या खिलाया था नहीं पता होता लाइफ में ना नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं ये ये बड़ी फिल्मी सी लाइफ बना लाएग दे नहीं ये इसको हम बना देते हैं ओके। क्योंकि इतना पूछते हैं तो मेरे लिए झूठ बोलना बड़ा आसान है मैं कुछ भी बोल दूंगा और सब लिखना शुरू हो जाएंगे ऐसा था ना कोई वो है मैं लोग कहता हूं कि जो फेमस होते हैं उनको सब कुछ पता होता है कैसे पता होता है मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था मेरी लाइफ बड़ी नॉर्मल सी हमेशा से ऐसी रही है कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे पास तो फ़ोटो भी नहीं है ऐसे कोई क्योंकि कैमरा नहीं था हमारे पास में जो फेमस होते हैं उनके पास सारे उसके ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ बट एक्चुअल लाइफ के अंदर जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है उसमें वो ऐसे नहीं चलती है नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल ही चलती है लेकिन हमें ऐसा विश्वास होता है कि नहीं अगर आपने ये कुछ अचीव कर लिया है तो पता नहीं क्या क्या होगा कैसे कैसे होगा उसमें कुछ ऐसे ज़रा सा मिल जाएगा अगर मैं आज आपको अब यहाँ पर कि मैं जब दो महीने का था तो मैं रुमाली रोटी बना कैसे उड़ाता था, था अरे दो महीने का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता क्या लो? लेकिन वो मीडिया लिखना शुरू कर देगी सो आई थिंक जो कोई भी चीज़ है कि मैंने क्या बना के खिलाया मुझे पिछले हफ्ते का याद नहीं है आपको बचपन से पता था आप शेफ बनोगे मैं मुझे ये नहीं पता था शेफ कौन होता है बचपन में तो मैं कैसे मुझे बचपन से बन जाता नहीं पता था मुझे तो मैंने इसलिए अपनी मेरी जो बेटियाँ हैं जो बहुत छोटी थी तो तब से उनको मैं पूछता था कि बड़े हो क्या बनना है ताकि शायद इनको बताऊँ मुझे तो नहीं पता था बाकी सबको कैसे पता होता है तो मुझे याद है मेरी छोटी बेटी आ, कुछ आई थिंक छः सात साल की थी उसको पूछा मैंने कहा बेटा क्या बनना है मुझे मम्मी बनना है हम सोचते हैं कि क्या बनना है हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं पर जब बच्चे होते हैं ना ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हो उनकी थिंकिंग कुछ अलग होती है सो आपको ये बहुत आ, आ, स्टोरी टेलिंग के लिए अच्छा लगता है सारी चीज़ें